देहरादून में पूर्व मेयर मनोरमा डोबरियाल शर्मा की जयंती के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस नेत्री आशा मनोरमा डोबरियाल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया है। सम्मान की थीम सड़क से संसद तक रखी गई है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने भर्तियों में हो रही धांधली को लेकर भी बात कही है। उन्होंने कहा कि अब जो भी कदम उठाना है वह उत्तराखंड सरकार और स्पीकर को निर्णय लेना है कि अब आगे क्या करेंगे। जिन नियुक्तियों में धांधली हुई है उनको निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मनोरमा डोबरियाल शर्मा उत्तराखंड में एक ऐसा नाम है जिसको कभी बुलाया भुलाया नहीं जा सकता। उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। ऐसी महान नेता को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। पार्टी की निष्ठावान नेता होने के साथ साथ एक समाज के लिए समर्पित व्यक्ति, और जो भी मौका उनको मिला उस मौके का उन्होंने भरपूर लाभ राज्य को दिया और अपने पद को, अपने अवसर को गौरवान्वित करने का काम किया, और मैं उनको हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।